साथ पूजा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। बाराबंकी जिला कारागार में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता विहीन देने के मामले में जेल अधीक्षक हरिबख्श सिंह सहित चार को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए जाने वालों में डिप्टी जेलर आशुतोष मिश्रा, हेड जेलर बॉर्डर राजेश भारती, जेल बॉर्डर सुरेश कुमार भी शामिल है। जेल मंत्री स्वतंत्र प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने मंगलवार को कारागार का औचक निरीक्षण किया था। करीब डेढ़ घंटा चले निरीक्षण में मंत्री ने बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब मिली। बताया जाता है कि मंत्रियों ने दाल चखी तो पतली होने के साथ ही उसमें कंकड़ भी निकले। भोजनालय व भंडार गृह में व्यवस्था व गंदगी भी मंत्रियों ने देखी थी। ऐसी चीजें भी बंदियों को बाजार से खरीद कर खिलाने की बात अभिलेखों में पाई गई, जिसका स्वाद तक बंदियों को नहीं मिला। कोरोना काल में बंदियों को विटामिन सी की कमी ना होने पाए, इसके लिए नींबू व संतरा जैसे फल भी देने की सलाह चिकित्सकों ने दी थी, जिसका फायदा उठाकर जेल अधिकारियों ने उसकी खरीद तब ज्यादा दिखाई जब कीमतें अधिक थी। मंत्रियों को कुछ बंदियों ने बताया कि था कि महिला बंदियों व उनके बच्चों को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार उन्हें न देकर जेल कर्मी स्वयं ही घर ले जाते थे। जेल की कैंटीन में बंदियों को निर्धारित मूल्य से डेढ़ दो गुना दाम पर वस्तुएं मिली थी। इसके अलावा परिजन से मिलाई के नाम पर वसूली की जा रही थी। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बताया, जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर व दो अन्य लोगों के निलंबित होने की सूचना उन्हें मिली थी। मंत्रियों को निरीक्षण में भोजन गुणवत्ता विहीन मिला था। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।